गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़े थे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने आज थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो हम दो लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो वीडियो को आप जरूर वॉच करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है आर्किबैक्टीरिया, जो कि मोनेरा जगत में, हमने इससे पहले की वीडियो में मोनेरा जगत पढ़ा था। मोनेरा जगत में हमने पढ़ा था कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो हमें कौन कौन से जीवों को पढ़ना है मैंने वो बताया है। एंड मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पूरा इतिहास बताया हुआ है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी जानकारी होना, पहले आप ले लें, उसके बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा बैक्टीरिया होता क्या है, ठीक है। तो गाइस हमने मोनेरा जगत में हमें चार जीव पढ़ने थे, वो थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमें दो टाइप के बैक्टीरिया, हमें कार्डबूज ने बताया था कि दो टाइप्स की बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से मोनेरा जगत में एक तो आर्की बैक्टीरिया पढ़ना था, यू बैक्टीरिया पढ़ना था, और साइनो बैक्टीरिया पढ़ना था, और माइकोप्लाज्मा पढ़ना था। तो चार चीज हमें पढ़ने हैं इसमें मोनेरा जगत में, जिसमें आज मैं फर्स्ट लेकर आई हूँ वो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम आर्की जीवाणु भी बोलते हैं, तो ये किस प्रकार के जीवाणु होते हैं आइए समझते हैं। तो गाइस ये प्राचीन जीवाणु होते हैं, ठीक है। क्या बताया था कार्डबूज ने कि ये जो होते हैं, ये जो जीवाणु है, ये बहुत ही प्राचीन जीवाणु है। ऐसे जीवाणु जब हमारी धरती का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पर जब हमारी धरती का निर्माण हुआ था, उस इतने प्राचीन है, उस टाइम से ये हमारी धरती पे मौजूद है। और ये ऐसे प्रोक्रियाटिक जीव है, यस मोनेरा जगत के सभी जीव कैसे हैं, प्रोक्रियाटिक्स हैं, तो ये भी प्रोक्रियाटिक्स ही होएगा, ठीक है, और एकल कोशिकीय भी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो एवायवीय वातावरण, यानी कि गर्म जल, दलदल, कच्छ, अम्लीय वातावरण, उच्च तापमान जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में रहने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी बताया गया है कि जब हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, उस टाइम से मौजूद है। तो उस टाइम पर जब हमारी पृथ्वी का वातावरण था जब उसका निर्माण हुआ, एवायवीय था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे, वैसी परिस्थिति में भी ये सांस ले पा रहे थे, रह पा रहे थे। साथ ही साथ ये ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे गर्म जल, बहुत ज्यादा गर्म है जल, उसमें भी ये जीवित रह रहे हैं, और दलदल में भी ये जीवित रह सकते हैं। अम्लीय वातावरण, क्या सोचो कोई अम्ल में जीवित रह सकता है, ये अम्ल में भी जीवित रह लेते हैं, अम्लीय वातावरण में भी जीवित रह लेते हैं। उच्च तापमान, जिसकी बहुत ज्यादा तापमान होता है, उसमें भी ये जीवित रह पा रहे थे। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह पा रहे, जिसमें हमारा रहना या सामान्य जीवों का रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बताया गया है कि इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, मतलब जीवाणु जो है आर्किबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जा रहा था। साथ है कि इनकी कोशिका मोनोलेयर टेढ़े मेढ़े शाखित होती है। मोनोलेयर टेढ़े मेढ़े का मतलब है कि एक स्तर की होती है और शाखित होती है, टेढ़े मेढ़े होती है, मतलब इस प्रकार से शाखित होती है और टेढ़े मेढ़े होती है, देख रहे हो आप। और शायद इनकी इसी बनावट के कारण ये ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह पा रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए कि एक ही स्तर पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया में, जबकि यू बैक्टीरिया में दो लेयर होती है, वो भी पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं एक दूसरे के, जबकि यहाँ पर शाखित है और टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, और वो भी एक ही स्तर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समझ गए कि आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, बहुत प्राचीन जीवाणु होता है, ये ऐसे प्रोक्रियाटिक जीव है जो एवायवीय वातावरण, गर्म जल, दलदल, कच्छ, अम्लीय वातावरण जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में रह सकते हैं। इनमें इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ ये मोनोलिपिड लेयर होती है, इनमें एक ही क्या कहते हैं, एक ही कोशिका, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, सॉरी यहाँ पर झिल्ली लिखना है आपको, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो मोनोलेयर होती है और टेढ़े मेढ़े होती है। साथ ही अब हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के प्रकार, ठीक है। तो अब हम जानते हैं आर्की बैक्टीरिया के प्रकार में, तो इनकी एवायवीय प्रकृति तथा उपचयी क्रियाओं के आधार पर इनको तीन समूहों में बांटा गया। अभी जो आर्की बैक्टीरिया थे, इनके पास जो गुण था उसके आधार पर, मतलब इनकी अवायवीय प्रकृति, जो अवायवीय प्रकृति में रह पा रहे अवायवीय परिस्थिति में, तो इनकी इन्हीं सब प्रकृतियों के आधार पर इनको तीन समूहों में बांट दिया गया है, जिसमें फर्स्ट जो है वो है मैथेनोजन। मैथेनोजन आर्की बैक्टीरिया, यह कैसी बैक्टीरिया है, यह एवायवीय वातावरण में मिलते हैं, मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता ये वहां पर पाए जाते हैं। और कैसे, जैसे कि दलदल हो गया, कच्छ हो गया, या जंतुओं के आहार नाल, मतलब हाँ जंतुओं के आहार नाल में भी, ठीक है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके आहार नाल में ये पाया जाता है, उनके आमाशय में, और ये पाया जाता है। और जब वो मल करते हैं, गोबर देते हैं, तो उस गोबर में भी ये कुछ मात्रा में बाहर आते हैं गोबर के साथ, मैथेनोजन आर्की बैक्टीरिया। अभी इस गोबर का क्या किया जाता है, जब बायोगैस का निर्माण किया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है,
तो जो बायोगैस बनाने की जो विधि होती है उसका जो चैम्बर होता है उसको ऐसा बनाया जाता है जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं जा सकता, एवाईवी परिस्थिति बनाई जाती है उसमें। तो वहां पर क्या मौजूद था, मेथनोजन आर्की बैक्टीरिया मौजूद था और उसको क्या मिला, एवाईवी वातावरण मिला, जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपने क्रिया की और क्या बना दिया, मेथेन गैस बना दिया। मेथनोजन बैक्टीरिया ने वहां पर मेथेन गैस बन गया और 70% जो वहां पर मेथेन गैस निकलता है जो कि बिल्कुल कैसा, इसको नेचुरल गैस माना जाता है और ये बहुत ही अत्यधिक ज्वलनशील होता है जिसको हम सीएनजी के रूप में यूज करते हैं, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेथेनोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है टाइप इसका वो है हेलोफिल्स या लवर रागी, जिसको हम लवर रागी या हेलोफिल्स बोलते हैं। लवर रागी से समझ में आ गया होगा, ऐसा बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्र में पाया जा रहा हो, जहां पर लवर की मात्रा हो, जैसे कि लवणीय झील, लवणीय कच्छ, लवणीय बिलियन, कुछ गहरे समुद्र में जिसकी जो 110 डिग्री सेल्सियस ताप में भी ये जीवित रह पाते हैं। सोचिए क्या अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको नमक के घर में बंद कर देते हैं, वहां पर आपको रहना है, क्या आप रह लेंगे? नहीं रह सकते ना। या फिर आपके घर में नमक बिछा दिया जाए, आपके शरीर से पानी पानी निकलने लगेगा, बट ये वहां पर रह पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नमक के ऐसे लवणीय छत्र में या लवणीय वातावरण में भी ये रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हेलोफिल्स लवर रागी। नेक्स्ट जो है वो है थर्मो एसिडोफिल। नाम से ही पता पड़ रहा है, थर्मो एसिडोफिल मतलब एसिड, जहां पर एसिड यानी अम्ल होगा, ऐसी जगह पे ये पाए जा रहे हैं जैसे यह उच्च तापमान में अम्लीय वातावरण में मिलते हैं। मतलब ऐसा जगह जहां पर अम्ल की मात्रा है ये वहां पर भी मिलते हैं। क्या आप अम्ल में रह सकते हैं? बट ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये गर्म पानी के झरनों में रह सकते हैं। ज्वालामुखी के फटने से, अच्छा ज्वालामुखी देखा है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, उस लावा में अत्यधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है जिस जो कि बहुत ही अत्यधिक अम्लीय होता है और ये वहां पर भी पाया जा रहा है। तो सोचो किस प्रकार के बैक्टीरिया है, मतलब ये कैसी परिस्थिति में रह सकते हैं। तो ये आज हमने खत्म कर लिया मोनेरा जगत का एक जीव, वो है आर्की बैक्टीरिया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।